हेलो फ्रेंड्स, सरिता की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं आपको अपने गार्डन में ले चलती हूँ, जो कि मेरा टेरेस गार्डन है। देखिए, यहाँ मेरी चंद्रमल्लिकाएँ कुछ ब्लूम कर चुकी हैं, कुछ ब्लूम कर रही हैं और कुछ में ब्लूमिंग होने वाली है। ये मेरे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, ये गजेनिया में फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा साल्विया का पौधा है, देख पा रहे हैं आप कितनी अच्छी से ब्लूमिंग कर रहा है। यहाँ मेरे सारे हिबिस्कस हैं, देखिए कितने सारे कलियों से भरा पड़ा हुआ है मेरा हिबिस्कस का प्लांट। इसमें से मैं रोज़ाना 4 से 5 फूल लेके जाती हूँ। इतने अच्छे तरीके से ब्लूमिंग कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे ही हिबिस्कस में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जबकि ये गर्मियों के सीज़न में फूल देने वाला है और अभी कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद इसमें इतने सारे फूल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इतने सारे फूलों का राज मेरा जो खाद है, जो मैं घर का बना हुआ ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ, वही मैं इसमें डालती हूँ। ये मेरा गजानिया का प्लांट है, ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है, ये डाइंथस का प्लांट है मेरा, क्योंकि कितनी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से रंग बिरंगे फूल मेरे लगे हुए हैं और कुछ प्लांट मेरे जो नए लगाए थे उसमें अभी ब्लूमिंग बाकी है। ये देखिए मेरा पैंसी का प्लांट, कितने अच्छे से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। ये और एक पिटूनिया का कलर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो मैं इसमें कौन सी खाद डालती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने प्लांट्स में सारे ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ। वो खाद क्या है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो खाद, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये सारे मेरे किचन वेस्ट थे, जितनी भी सब्जियां मैं काटती हूँ उनके जो छिलके रह जाते हैं, प्याज और आलू अदरक, सारे जितनी भी सब्जियां आती है उनकी कटी हुई जो बात भाग जो हम फेंक देते हैं, मैं उसी को भिंगा कर रख देती हूँ। और उसी को भिंगा कर रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी में पूरा उसका कलर आ चुका है, ये पानी पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुका है, पूरी तरह से ये खाद के रूप में तैयार हो चुका है। अब इसी पानी को हम खाद के रूप में पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इस खाद को छन्नी की सहायता से छान लूँगी। मैंने यहाँ पर 2 मग ही पानी लिया है इसका। अब इस ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी क्लीन है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम इस बाल्टी के अनुसार, ये मेरी 12 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें मैंने 1.5 मग लिया है अपने इस मग से, तो आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। इसी के अनुसार हम 1 बाल्टी पानी इसमें मिला लेंगे। मिला करके उसके बाद हम इसमें पानी मिला लेंगे और उसके बाद इसी पानी को हम सभी पौधों में देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पानी मिलाने के बाद भी इसने अपना कलर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हुआ है। इसमें इस तरह से पानी मिला देना है और अब चलिए हम इसे अपने पॉट में देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरे यहाँ 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग अभी पानी नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी। अब फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ कचरा है हमारा, इसको मैं यहाँ मेरी मिट्टी रहती है खाद बनने के लिए मैं फेंकती रहती हूँ, मैं उसके साथ मिला दूँगी। अब ये धूप के माध्यम से सूखते रहेगा और जैसे ये सूख जाएगा मैं इसको उठा करके एक उस तरह से बस्ते में भर के रख दूँगी। ये हमारा खाद तैयार हो गया, वो लिक्विड खाद तैयार हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।